गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम आपके बुक का जो शॉर्ट स्टोरीज में से सेकेंड चैप्टर जो है एटलीस्ट वो स्टार्ट करेंगे तो लेट्स बिगिन एटलीस्ट वॉज अ हैंडसम ग्रीक हीरो अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथोलॉजी व्हेन एटलीस्ट वॉज बॉर्न हिज मदर हेल्ड हिम बाई हिस हील एंड डिप्टेम इन द रिवर्स टेक सो दैट ही कुट लीव फॉर एवर जो एक्लीस थे ठीक है ये बेसिकली कौन थे ठीक ये एक फेमस ग्रीक हीरो थे ग्रीक ग्रीक टे के टाइम पर जो ग्रीक टाइम एंशियट टाइम में जो एक्स थे ये एक बहुत ही ब्रेव हीरो रह चुके थे एक पर्सनैलिटी थे ठीक है बहुत ही फेमस ये बहुत ही मतलब ब्रेव थे काफ़ी मतलब बहादुर हीरो रह चुके थे ग्रीक मिथोलॉजी के हिसाब से मिथोलॉजी यानी मतलब पुराने सेंग्स ठीक आइडियाज जो है मिथ यानी फॉल्स बिलीफ ठीक सुपरस्टिशियस बिलीफ जो है उनके हिसाब से जो है क्या है अकलीस जो है ये कब पैदा हुए थे जब अकेलेस जो पैदा हुए थे इनकी माँ ने क्या किया था इनको जो है अपने इनके दो पैरों को पकड़ के इनके दो हील्स मानी यानी फीट दो फी इनके जो दो फीट्स से इनको पकड़ के जो है एक्स को इनकी माँ ने जो है रिवर्स स्टिक्स में डिप किया था ठीक है उसमें डुबकी लगवाई थी इनकी इनकी दो पैरों को पकड़ के इनका जो पूरा बॉडी है सर से सर सर जो है इनका अंदर पानी में डिप किया था कहाँ तक इनके सिवाय इनकी दो फीट्स को ठीक इनके दो हील्स तो थे उनको इन्होंने पकड़ के रखा था और इनकी बॉडी जो है पूरा इन्होंने कहा इनकी माँ ने जो है रिवर्स स्टिक्स में डिप कर लिया था ताकि जो है इनका मानना था कि जो रिवर्स स्टिक्स का पानी जो है इनके लिए बहुत होली है जैसे हमारा जो आबे जमजम आबे निशान जो ये हमारे होली वाटर प्रीशियस ठीक है हमारे बहुत ही ये प्रीशियस हमारे जो है होली वाटर है सिमिलरली ग्रीक मिथोलॉजी के हिसाब से रिवर्स रिवर स्टिक्स का पानी जो है इनके लिए बहुत ही प्रीशियस और होली सेक्रेट है ठीक तो इसीलिए जो क्या है इनकी माँ ने चाहा था कि ये हमेशा जिंदा रहे इसीलिए इनकी माँ ने क्या किया इनके हील्स को पकड़ के इनको जो है रिवर्स स्टिक्स में डिप करवाया इनके रिवर्स स्टिक्स में इनका बॉडी जो है पूरा डिप किया मतलब डुबाया इसकी इनके बॉडी को तो क्या हुआ इसी वजह से जो थे एटलीस्ट का जो है पूरी उनका जो सिर्फ हील जो थे इनके दो बॉडी का जो एज ए रिजल्ट हिज हील वॉज ऑनली द पार्ट ऑफ हिज बॉडी विच वॉज नॉट वॉश बाय द होली वाटर ठीक तो इसकी वजह से जो है इनकी बॉडी बॉडी के सारे पार्ट सिवाय इनके दो हील्स के इनकी पूरी बॉडी जो है उस रिवर स्टिक्स के पानी

क्या हो गए फाइनली जो है इनकी मौत हो जाती है कब जब एक एरो जो है एक तीर जो है कहाँ लग जाती है कहाँ स्ट्रक कर जाता है इनके दोनों पैरों में तो जो है इसके इसीलिए ये एक्सप्रेशन भी जो है कॉमनली यूज़ किया जाता है इट इज़ यूज एज एन एक्सप्रेशन लाइक एक्स हील जिसका मतलब होता ए सीरियस वीकनेस एक्स हील को जो है हम एज एन एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं किस लिए इसका मतलब होता है किसी इंसान की बहुत बड़ी कमज़ोरी ठीक है उसकी जो कमज़ोरी है किसी इंसान की कमजोरी जो हम मानते हैं उसको एटलीस्ट एटलीस्ट हील कह के जो है एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है वाई डू यू थिंक द बॉय इन दिस स्टोरी नेम्ड हिज पेट एटलीस्ट अब जो लड़का इस स्टोरी में हम जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो उसने अपने पेट का नाम जो है ठीक है एटलीस्ट क्यों रखा वट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू थिंक द टोटॉइज हैज़ विच अर्नस हिम दिस नेम तो एटलीस्ट जो है यहाँ पर इस स्टोरी में हमें किस का नाम है एक टोटॉइस का कछुए का जो नाम है एक्स रखा जाता है अब हमें ये पढ़ना है कि ऐसा क्या हो जाता है कि ऐसा क्यों है कि एक्सट जो टोटाइज है उसका नाम एक्स रखा गया है इस ब्रेव पर्सन ब्रेव इंसान के नाम से जो है इनका नाम रखा गया तो किस वजह से जो है इनको ये नाम इनको ये नाम जो है हासिल हो जाता है लेट्स बिगिन द स्टोरी टू फाइंड आउट Though so starting palabarajoha, perhaps most one of the most weird and fascinating characters, characters I met during my travels was the Rose beetle man. he had a fairy tale about him that was impossible to resist, and I used to walk for, look forward eagerly to my meetings with him to so subse perhaps. पर का मतलब शायद क्या हो जाता था उनकी जो लाइफ में सबसे वेर्ड वेर्ड का मतलब होता है अनयूजल ठीक है अनयूजल या स्ट्रेंज बहुत ही अजीब सी अजीब सी जो घटना जो वाक़ हो जाती है इस राइटर के साथ नरेटर कह रहा है कि और बहुत ही फैसिनेटिंग करेक्टर्स जो उनकी उनको अपने ट्रेवल्स के टाइम जब वो सफ़र कर रहा होता है जूरिंग हिज ट्रेवल्स ठीक है तो उसको कौन सा शख्स मिल जाता है रोज़ बीटल मैन का जो के जो इंसान थे के नाम से जो रोज़ बीटल मैन नाम उस शख्स का था उनसे जो इनकी मुलाकात हो जाती है ये उसके लाइफ में बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस इंटेंस होता था उसके पास जो है बहुत सारी स्टोरीज सुनाने के लिए होती थी ठीक है जिनसे जो है वो रुक नहीं पाता था ही दैट वाज इम्पॉसिबल टू रिजिस्ट जिनसे जो है वो बिल्कुल बाज ना वो मतलब बिल्कुल एक्साइटेड रहता था हमेशा कि जो है वो ईगरली मतलब बहुत एक्साइटमेंट के साथ जो है उसकी मीटिंग्स के लिए उनसे मिलने मुलाकात का जो है उनको इंतजार रहता था आई फर्स्ट सॉ हिम ऑन द लोनली रोड लीडिंग टू वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट रिमोट माउंटेन विलेजेस उससे जो है मेरी मुलाकात पहली बार कब हुई थी जब मैं क्या कर रहा था एक बिल्कुल हिम

जो है देखने से पहले ही जो नरेटर है उसे सुन पाता था ठीक है उसकी आवाज़ उस तक पहुंच पाती थी क्योंकि ऐसा क्यों होता था ठीक क्योंकि जो है वो क्या करता था उसके पास एक पाइप बांसुरी होता था एक पाइप होता था जिसके जिसमें जो है होल्स होते हैं ठीक है और वो बजा रहा होता था गुनगुना रहा होता था उसके साथ और साथ में वो अपने जो है नेजल वॉइस यानी नाक से जो है कुछ आवाज़ें आती थी और वो उसे सुन पाता था तो जो रोज बीटल मैन है वो उससे उसके उस तक पहुँचने से पहले ही जो है उसकी आवाज़ जो है नरेटर तक पहुँच जाती थी ठीक ही हैड है फॉक्स लाइक फेस worn round his neck फैंटेस्टिक वाइट फ्रॉपी ब्रिम हिस्सलिंग ब्लू सेट इट तो यहाँ पे उसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं ठीक है उसका फेस जो है उसको फॉक्स की तरह कहा गया है फॉक्स की तरह मतलब उसका फेस जो है बहुत वाइड बहुत ही ब्रॉड फेस था जो और बड़ी बड़ी आंखें थी हिस ड्रेस वॉज फैंटेस्टिक उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बहुत ही खूबसूरत थे ठीक है बहुत ही बहुत ही फैंटेस्टिंग यानी बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही खूबसूरत थे और उसके सर पे जो है एक हैट था एक टोपी उन्होंने पहनी हुई थी जो कि बहुत वाइड था वाइड यानी बहुत ही चौड़ा विद ए फ्लोपी ब्रिम ठीक है और क्या था वो बहुत ही फ्लोपी ब्रिम का मतलब पीछे ग्लॉसरी में भी है फ्लोपी का मतलब बहुत ही सॉफ्ट कपड़े से बना हुआ था जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में फोल्ड कर सकते थे इस शर्ट वज वॉन और उसका जो शर्ट उसने पहना हुआ था वो क्या था वर्ड वॉन वॉन का मतलब वॉन आउट का मतलब होता है घिस जाना ठीक है घिसा हुआ बिल्कुल ही पुराना हो चुका है उसका शर्ट जो उसने पहना था वो लग रहा था कि वो जो है बार बार यही पहन के बैठता था तो इस वजह से क्या हो गया था उसका शर्ट जो था बिल्कुल वॉर्न आउट हो चुका था बहुत पुराना घिस गया था घिस चुका था राउंड डैंगल ड्राइवेट ऑफ स्टार्टलिंग ब्लू सटिन और उसके जो है उसके जो गर्द गले के जो है राउंड क्या था एक डेंगल क्राइवट स्टार्टिंग ब्लू सैटन एक कपड़ा था ठीक है डेंगल का मतलब है जो क्या था हैंग हो रहा था लूजली ठीक टाइटली बांधा नहीं था उसको लूजली हैंग किया गया था विद ए क्राइवेट ऑफ स्टार्टलिंग ब्लू सैटन क्राइवेट यानी एक ऐसा कपड़ा जो क्या था अंदर से जो है शर्ट के अंदर से लूजली हम अंदर से हैंग करके रखते हैं जो क्या था स्टार्टलिंग मतलब होता है बिल्कुल शाइनिंग चमकदार जो था ब्लू सैटन का ब्लू सेटन एक स्टफ होता है स्लिक मेटीरियल हो जाता है ठीक है शाइनिंग ऑन ए साइड एक साइड जो है उसका शाइनिंग

टोज जो थे वो पहने हुए थे शूज पहने हुए थे दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर कैरीड इट ऑन हिस्स बैग बैंबू केजेस फुल ऑफ पिजेंस एंड यंग चिकन एंड सेवरल मिस्टीरियस सेक्स और क्या किए थे उसने जो है क्या कैरी किया था अपने बैग पे एक उसने अपने बैग पे एक बैम्बू केच यानी ठीक है बैम्बू यानी जैसे हमारा नहीं होता है बास्केट्स के बने हुए बैम्बू के बने हुए उसने पीछे एक केच लिया हुआ था जिसमें बहुत सारी चीज़ें भरी हुई थी उसने उसमें क्या क्या थी पिजन्स थे ठीक है कबूतर और छोटे छोटे चिकन्स थे और सबरल से मिस्टीरियस सेक्स और उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी बहुत मिस्टीरियस मीन्स बहुत ही जो मतलब अनोखे चीज़ें भी लेके वो अपने केच में जो है पीछे लेके साथ में चलता था विद वन विद वन हैंड ही हेल्ड हिज पाइप टू हिज माउथ और साथ में एक हाथ में क्या था उसका पाइप जो बांसुरी बजा रहा था पाइप मिस्टी के शेफर्ड्स पाइप वो लेके था और दूसरे हाथ में क्या था देयर वर हेल्ड नंबर ऑफ लेंथ्स ऑफ कॉटन कॉटन ऑफ

शाइनिंग शाइन कर रहे थे जब उन पर सूरज पड़, पड़ रही थी सूरज की किरणें जो हैं उस पर पड़ रही थी ऑल ऑफ दैम फ्लाइंग राउंड हिज हैड ट्राइंग टू एस्केप फ्राम द थ्रेड टाइट फर्मली अराउंड हिज वेस्ट वेस्ट यानी हमारा जो जहां हम घड़ी लगाते हैं ठीक वेस्ट के साथ उसने बांधा हुआ था और वो सारे क्या कर रहे थे वे ट्राइंग टू तो एस्केप ठीक अपने आप को बचाने की कोशिश भागने की कोशिश कर रहे थे उस थ्रेड से जिसके साथ उसने उनको टाई किया हुआ था और वो उनके सर के आसपास जो है घूम रहे थे चक्कर काट रहे थे ओकेजनली टायर ऑफ सर्कलिंग राउंड एंड राउंड विदाउट सक्सेस मतलब जो रोज बेटल्स जो इंसेक्ट्स उसने अपने साथ लिए थे उन वो क्या कर रहे थे कोशिश कर रहे थे कि वो लोग वहां से निकल पाए इसलिए वो बार बार चक्कर काट रहे थे उसके सर के ऊपर लेकिन उनको बिल्कुल ही सक्सेस नहीं कामयाबी नहीं मिल रही थी वो लोग सक्सेस नहीं कामयाबी कामयाब नहीं हो पा रहे थे वन ऑफ द बेटल वु सेटल फॉर अ मोमेंट ऑन हिज हेड और थक जाते थे वो लोग चक्कर काट काट के और उसमें से एक बेटल जो था उसके सर के ऊपर जो है रेस्ट करता था थोड़ी देर के लिए बिफोर लॉन्चिंग इट सेल्फ मोर और वंस मोर फॉर मोर ऑन इट्स एनलेस मैरी गो और उसमें से जो जो वो बीटल्स जो क्या करते थे वो लोग रेस्ट करते थे और बाद में फिर से कोशिश करते थे चक्कर काटते थे मेरी गो, मेरी मतलब झूला जो होता है ना राउंड राउंड चक्कर काटने वाला वो उसकी तरह जो है फिर से अगैन वो कोशिश करते थे घूमते थे उसके सर के ऊपर से ताकि वो लोग जो है खुद को वहाँ से निकाल पाए ठीक उस केज से जो है वो बाहर निकाल पाए उस थ्रेड से शायद जिसके साथ उन्होंने उनको बांध के रखा था उनसे जो है वो आजाद हो जाए और वहाँ से निकल पाए तो यहाँ तक आज हम पढ़ लेंगे इसको अच्छे से वीडियो को दो तीन बार देख लेना ठीक है ज़्यादा वीडियोस जो अगर बनाऊँगी तो फिर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए फ़िलहाल आज इतना आप लोग अच्छे से समझ लो खुद भी पढ़ लो ठीक है अच्छा फिर आराम से पढ़ लो ओके खुदा हाफिज़